हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिंदर सिंह। आज हम सीबीएसई की वेरिफिकेशन ऑफ 10th क्लास एंड 12th क्लास के बारे में जानेंगे। इसका होल प्रोसेस हम समझेंगे कि कैसे आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको बता दूं कि अगर आप सबसे पहले वेरिफिकेशन को अप्लाई करते हो, उसके बाद ही आफ्टर द वेरिफिकेशन आप फिल कर सकते हो अपने नेक्स्ट प्रोसेस को, जैसे कि आप अपनी आंसर की जो आपने एग्जाम दिया है उसको अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट थर्ड प्रोसेस आपका जो रहता है उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन जो हैं, जो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको लगता है कि उसमें आपकी मिस्टेक है, मार्क्स कम मिले हैं, तो उनको आगे चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये सब चीजें तभी पॉसिबल है अगर सबसे पहले आप वेरिफिकेशन को अप्लाई करोगे। तो हम समझते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले अपने लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर भी आप कर सकते हो, अपने जो सीबीएसई की साइट है www.cbse.nic.in कर दीजिए। जब साइट ओपन करते हैं तो यहां पर www.cbse.nic.in के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट्स, क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट। यहां पर आप सीबीएसई वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर क्लिक करने पर ये आपकी ये वेबसाइट ओपन हो गई है सीबीएसई की। इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस का ये पेज है, इसको आप ओपन कर लीजिए। ये अलग टैब में खुलेगा। जब आप इस पेज को ओपन करते हो तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन फोटोकॉपी री एवेल्युएशन फॉर एग्जामिनेशन 2020 क्लास 12th क्लास 10th इम्प्रूवमेंट कैटेगरी क्लास 12th, ये चीजें आपको खुल जाती हैं। जब आप इन क्लास 10th या इन चीजों पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे आपके जो सर्कुलर हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, कितनी फीस है, कितने चार्जेस हैं, वो सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको लास्ट डेट्स के बारे में भी बता देता हूँ। यू कैन सी शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी एवेल्युएटेड आंसर बुक्स एंड री एवेल्युएशन फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन 2020। जो अप्लाई ऑनलाइन है वेरिफिकेशन का, ये 20 से लेकर, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं सबसे पहले, 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक लास्ट डेट है। और इसकी पर सब्जेक्ट की 500 फीस है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप रहेगा ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, इसकी जो अप्लाई ऑनलाइन डेट है 4th अगस्त से लेकर 5th अगस्त, ओनली 2 डेज यू हैव। इसके भी 500 रुपया पर बुकलेट होगा। रीवैल्यूएशन थर्ड स्टेप, रीवैल्यूएशन में यहां पर आप पर क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हैं 10th अगस्त से लेकर 11th अगस्त 2020 तक जो है वो आप अप्लाई करना है। इसके पर क्वेश्चन की फीस जो रहेगी 100 रुपीज पर क्वेश्चन रहेगी। अब यहां पर जो नेक्स्ट रहता है, मैं दोबारा वापस वही पेज पर आ गया सर्कुलर के पीछे। क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, हम अप्लाई करने के लिए उस पेज को ओपन करेंगे। यहां पर आपका जब पेज ओपन होता है तो सारे कैटेगरीज यहां पर रहती हैं। सबसे पहले अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन 12th, अगर आप 12th का अप्लाई करना चाहते हो तो 12th क्लास के लिए अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th। फीस पेमेंट, चेक फी स्टेटस, ऐप स्टेटस वेरिफिकेशन, हेल्पलाइन नंबर, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। लेकिन पहला जो प्रोसेस रहेगा आपका अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th, यहां पर आपका पेज ओपन हो गया क्लास 10th के लिए। सबसे पहले यहां पर आपको एंटर रोल नंबर, फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। सेकेंड में आपने
एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर ऐड करना है, कोई भी आपका स्कूल नंबर जो होता है, स्कूल का हर एक का नंबर होता है, उसको आपने यहाँ पर फिल करना है, और आपके एडमिट कार्ड जो होता है उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। एंटर सेंटर नंबर, जहाँ पर आपके फाइनल एग्जाम हुए हैं वहाँ का सेंटर नंबर आपने फिल करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट का यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ आपको, रोल नंबर, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल जाती है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं नेम, फादर नेम आप ध्यान से चेक कर लेना यहाँ पर, तो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के लिए क्लिक कर रहा हूँ, हिंदी, साइंस, अगर मैंने एक सब्जेक्ट करना है तो मैं एक कर सकता हूँ, अगर सबका करना चाहता हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट को क्लिक कर सकता हूँ। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स एड्रेस, आप यहाँ पर अपने स्कूल का एड्रेस फिल कर सकते हैं या फिर अपने घर का एड्रेस, पिन कोड बहुत जरूरी है, और पिन कोड के बाद यहाँ पर आप स्टेट का नाम फिल करेंगे कि कौन सी स्टेट में आप रहते हैं, स्टेट के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आफ्टर दैट यू कैन सबमिट इट। यहाँ पर आपको एक लाइन को पढ़ के बता रहा हूँ, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ एवेल्युएटेड आंसर बुक। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री एवेल्युएशन। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो भी कैंडिडेट इस स्टेप्स के तरफ से जाएगा तभी वो आगे वाले स्टेप पर जा पाएगा। जब भी आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, आपको इसको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्लिक हियर फॉर फीस पेमेंट, अगला स्टेप आता है फीस पेमेंट का, हम उस पर क्लिक करेंगे। फीस पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एंटर एप्लीकेशन नंबर जो आपने अभी मिला था आपको फॉर्म फिल करने के बाद वो करना है, और साथ में ही स्टूडेंट का रोल नंबर जो भी आपका है उसको आप फिल करेंगे। जब आप ये दोनों चीज़ें फिल कर देंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, और आप किसी भी चीज़ से आप फिल करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ICICI बैंक और HDFC। ध्यान रखें यहाँ पर आप ICICI और HDFC बैंक का ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड और HDFC पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, पूरी डिटेल प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो नेक्स्ट जो है आपका पूरी डिटेल जो है आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आप फिल करेंगे। पे विद मींस पे विद, यू कैन डू दैट विद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लाइक HDFC क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी डेट, CVV, एवरीथिंग व्हेन यू विल फिल देन यू कैन पे योर फीस। ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, री इवेल्युएशन फॉर एग्जामिनेशन 2020 ऑफ CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यह ध्यान रखिए इस पहले स्टेप की जो लास्ट डेट है 24 जुलाई 2020 है, तो उससे पहले पहले आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल जितेंद्र सिंह आजाद एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।